कुंभ राशि, प्यार का बुखार चढ़ेगा, अब आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। प्यार के बारे में बहुत कुछ जानकारियां इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल पर नए हैं तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में प्यार से जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूले। तो चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आने वाला दिन है इसमें आपके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिसे देख आप खुद यकीन नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा। किसी पुरानी योजना का भी भारी मुनाफा मिलने की संभावना बन रही है। शनिदेव की कृपा से आपके रुके हुए कामकाज प्रगति पर आएंगे। मानसिक तनाव से आपको छुटकारा मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में आप कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे कि आपके उच्च अधिकारी जो कि आपसे प्रभावित हो सकते हैं। पदोन्नति मिलने की संभावना बन रही है। पदोन्नति सिर्फ और सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से मिलने वाली है। छोटे कारोबारी लोगों को भारी मुनाफा देखने को मिलेगा। आप किसी लाभदायक यात्रा पर भी जा सकते हैं। शनिदेव के आशीर्वाद से सामाजिक क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शादीशुदा लोगों का जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत होने वाला है। आपकी अपने मित्रों से मुलाकात होगी और आप उनसे मदद की उम्मीद कर सकते हैं। आप अपने आप को जो कि बहुत अधिक महत्व दे सकते हैं। पैसों से संबंधित स्थिति में सुधार लाने के लिए आप नए सिरे से प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, किसी तरह का धन लाभ हो या ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, कोई रुका हुआ धन जो कि आपको वापस मिल सकता है, जिससे कि आपकी आर्थिक तंगी अब जो कि खत्म होने वाली है। मौज मस्ती के लिए आपका मन कर सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग रहे। मात्र आपकी मुस्कुराने से ही लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। व्यापार में आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। ऑफिस और कार्य क्षेत्र में अपने अधीन लोगों का जो कि आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। आपको अपने जीवन में प्यार और सहयोग की भावनाएं बनाए रखनी होगी। ऑफिस और कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी गलती कर सकते हैं जिसका एहसास जो कि आपको बाद में होगा, इसलिए सावधानी जरूरी बरते। दोस्तों, प्यार का बुखार जो कि आपको चढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हाल ही में किसी के प्यार के चक्कर में गिर गए हैं, या फिर हाल ही में जो भी एक कार्यक्रम या फंक्शन या फिर शादी अटेंड की है, वहां पर किसी लड़की या लड़की को देखकर आप इंप्रेस हो चुके हैं, तो उनके प्यार में आप गिर सकते हैं। ज्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो आने वाले दिन है इसमें आप बहुत ही प्यार में डूबे रहेंगे। दोस्तों, उनसे जो कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने से आपको इतनी खुशी होगी कि ऐसी खुशी आपने कभी नहीं देखी होगी और एहसास भी नहीं की होगी। दोस्तों, उनके प्यार में पड़ने से पहले फिर भी एक बार उनके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर करें, वरना बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते ही कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में। आपको अपना ध्यान अपने जरूरी कामों की ओर एकाग्र करना होगा और किसी भी काम में हड़बड़ी से बचना होगा। अगर काम करना ही है तो एकाग्र शांत मन से सभी लोगों की सलाह लेकर करेगा। हड़बड़ी गड़बड़ी बिल्कुल भी ना करेगा। गड़बड़ी का काम जो शैतान का रहता है। व्यापार से संबंधित कोई अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, और उस अवसर से ही आप अपनी एक करियर को नई दिशा दे सकते हैं। कुछ नई योजनाओं पर कार्य करने के लिए अच्छा दिन है। व्यापार के संबंध में की गई यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। प्रेम करने वालों के लिए भी दिन अच्छे हैं, ताकि आप प्यार के समंदर में डुबकी लगा रहे हैं और इसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। हर मामले में आपका व्यवहार सकारात्मक रहेगा, जिससे आपके आसपास रहने वाले लोगों को प्रसन्नता होगी।
आप दूसरों के सहयोग द्वारा कोई किसी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। आपको अपनी मदद करने वाले लोगों की तारीफ भी करनी होगी। दोस्तों आप बात करते हैं आपके लिए धन राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। इस समय आप भाई बहन की परेशानियां या पड़ोसियों की समस्या सुलझाने में आनंद महसूस करेंगे। आपकी कला जैसे कि गायन, नृत्य या फैशन आपको संतुष्टि प्रदान करती है और हो सकता है कि इनसे कुछ लाभ भी मिल जाए। आपने कीमती सामान या धन का खास ध्यान रखें। आपका करियर और प्रतिष्ठा दोनों आपकी प्राथमिकता रहेंगे। आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर नई धारणाओं और रणनीतियों को आजमा सकते हैं। व्यवसाय प्रक्रियाओं की योजना और प्रगति के विभिन्न चरणों को देखते हुए आपका दिन बढ़िया है। आप जो कि अब थोड़ा विश्रांति भी कर सकते हैं। सकारात्मक रहे और सही कनेक्शन ढूंढें। दोस्तों अब बात करते हैं आपके करियर राशिफल के बारे में। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के हल हो जाने से आपका काम आगे बढ़ेगा। सत्ता से जुड़े लोग अब आपका साथ देंगे और आपका रोका हुआ काम भी हो जाएगा। यही सही वक्त है। जो भी आपके रुके हुए काम हैं और जो लोग सत्ता में हैं उनकी सहायता से अपने रुके हुए काम को जरूर पूरा करें। दोस्तों इस अवसर का फायदा उठाकर अपने कागजी काम को भी पूरा कर लें, क्योंकि कागजी कामों को कभी भी देखिए देर लगता है और सरकारी काम जो कि बहुत देर से होते हैं। इसलिए सत्ता में अगर आपके लोग जो है पहचान के उनका सहारा लें और अपना कार्य समय पर पूरा करें। इससे आपका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा और इससे आपकी छवि भी सुधरेगी। अगर हम लव राशिफल की बात करें तो आपकी सितारे आपके लिए कुछ अलग ही संदेश दे रहे हैं। अपनी जानों के साथ बनाए गए किसी प्रोग्राम में विलंब होगा जिससे आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है। भाई बहन की परेशानियां भी चिंता का विषय है। निजी मामले और परिवार आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं। आप और आपके लव के बीच कुछ चीजों को लेकर खट्टी मीठी नोकझोंक हो सकती है। अपनी इस तकरार को प्यार में कैसे परिवर्तित करना है यह बात आप अच्छे से जानते हैं। बस आप अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखें। आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। कमर से संबंधित किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते। कमर की परेशानी से निजात पाने के लिए आप हल्का फुल्का व्यायाम या योग भी कर सकते हैं ताकि दर्द से निजात मिल जाए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से प्यार का बुखार जो कि आप पर चढ़ने वाला है इसकी समंदर में यानी कि प्यार के समंदर में भी आप डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं। सिर्फ उसके बारे में अच्छी तरह से भली भांति जांच पड़ताल करें तभी प्यार में किसी के प्यार में गिरे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेगा, दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।